बहुत अच्छा लगता है जब आप हमें देखते हैं सनी क्रिएटर यानी सनी यादव को चुनावी यात्रा में। इस वक्त लगातार हमारी चुनावी कवरेज जारी है आजमगढ़ में। नाम कहा है? हाजी मलंग। बताओ वोट की कहते कमल का फूल पर है? क्यों कमल के फूल पे देंगे? अरे कमल का फूल वहाँ पर बिरादरी है। बिरादर तब कहा है? बिरादर जाति धर्म के चुनाव पे डिसाइड होता कहाँ? हाँ तो बतावा तो हाँ जो लड़ा चुनाव लड़ा था नीरव जी यहाँ से और धर्मेंद्र यादव दोनों यादव तो आप बिरादर ना है बोला खाली ना मजा जाने का अपने बिरादे के मैं सुना था भले महंगाई ज्यादा रहा महंगाई मतलब महंगाई का हूँ महंगाई ना ना महंगाई का महंगाई या का हूँ महंगाई नहीं लग रहा। हमारा विचार वही है जो सरकार है चलेगी चलना रहेगा वही जो आए सरकार है वही चलेगी। परिवर्तन सब लोग परिवर्तन कर रहे हैं। बताइए किस मुद्दे पे आए? सब कुछ मुद्दा है जो देख रहा है जिसको मुद्दा देखना है वो मुद्दा आप बताइए। सब बोलिए इस बार तो सरकार भाजपा की बनेगी मतलब इस बार बनेगी इस बार नहीं हर बार बनेगी। अभी कोई लिखित लेके आए यार जीते ही रहेंगे ना तब तक भाजपा को बनाएंगे। बिल्कुल बनाएंगे हम। सफाई है ये सफाई है सफाई है ये भाजपा है। सुनिए मैं सफाई हूँ ये भाजपा है जब तक ये जिंदा रहेंगे तब तक बनेगी सरकार ने बीजेपी बनेगी बनेगी। मैं जिंदा रहूंगा तब तक सपा बनाता रहूंगा ये भाजपा ही है। अरे आपने बोला एक सवाल आपने बोला एक मिनट मेरे पास हाथी मर गया जाड़े में साइकिल बिक गई कबाड़े में कमल खड़ा है खाड़े में। इस बार कमल नहीं खिलेगा यहाँ इस बार भी जाएंगे ये यहाँ से ये भी दावा लग रहा है कमल क्या इस बार पूरा तालाब भी सूखा पड़ जाएगा। अरे कहने वाली बात है बहुत कह रहे हैं ये भी कहने वाली बात है तालाब अब देखने के फूल नहीं खिलने वाला है मतगणना के बाद समझ में आएगी। साइकिल हमेशा चली है और चलती रहेगी पंचर हो गई ये सोच लीजिए साइकिल पंचर आजमगढ़ में सरकार नहीं बनेगी इनकी इस चीज को जान जाइए। अगर पंचर होती साइकिल तो भाई 2022 में 9 विधानसभा पे नहीं जीतती सपा। वो सपा है अभी ये चुनाव देखिए 2022 नहीं अभी समय देखिए छोटी नहीं लेके पाए बड़ी कैसे लेके। अरे बड़ी का दोनों में चल रही है सपा की सरकार बसपा की सरकार चलेगा दोनों में भाजपा की सरकार चली अभी भी चलेगी जो देखना होगा वो देखेगा मतगणना के बाद आपको समझ में आ जाएगा किसकी सरकार बनेगी। ये बताइए भाजपा में कौन से काम आपको ऐसे अच्छे लगे? सब कुछ अच्छा लगा हमको सब कुछ। अब बताने आप पहले बताइए कि आप कौन सी पार्टी से? पार्टी से ये बहुत पूछ पार्टी से ये बता रहे क्यों कौन सी पार्टी है नहीं कह रहे आप भाजपा सपा सपा बोल रहे क्या कोई बताइए और कोई मीडिया वाला कोई पार्टी से नहीं होता। और जो विपक्ष होते हैं जो पक्ष होते हैं सरकार अक्सर सवाल पक्ष के ऊपर ही उठाया जाता है जिसकी सरकार रहती है ना कि विपक्ष के ऊपर की कोई विपक्ष का कोई दावा नहीं है ये बात आपको ध्यान लेना चाहिए। बहुत सही है सवाल है जो किस पार्टी हम लोग वो टीवी चैनल वाले नहीं है कि हमेशा मोदी 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 करेंगे हम वो ऐसे नहीं है। यहाँ जो हुआ है काम ये सब अखिलेश भैया काम है ये जो रास्ते पे खड़े हैं ये अखिलेश भैया ने पास किया भैया नहीं ये बनाए और इनके इनके ये लोग का बतियाएंगे ये लोग एकदम बिक गए हैं बीजेपी के एकदम हाँ जाहिल नहीं है ये पढ़े लिखे हैं उनके चाचा है हमने कहा बारह वाले है। और जब हमन अखिलेश सरकार रहना अखिलेश सरकार रह सुना अखिलेश सरकार रहना 500 रुपया में पढ़ाई हो अभी हमारा काम है करने दीजिए। आप सही बोल रहे हैं आप पूछिए अच्छा बताइए आप पूछिए हम लोग लड़ नहीं रहे हैं आप पूछिए बताइए अपना एक मिनट ये मेरी बात सुनिए मेरी बात सुनिए अंकल जी देखिए एक मिनट लड़िए अकेला आदमी आप मेरी बात सुनिए आइए यार सब गोजर गोजर को सौ टांग रहता है अगर एक टांग टूट गया फिर भी वो चलता है तो एक टांग तुम्हारी रह करके एकदम चली एक टंगिया पे एक टंगिया चली ये बताइए आप सब के इतने इतने आपकी सब आप भाजपा के पक्ष में अगर अकेला सपा गिरा इतना कह रहा है तो सब बहुत बड़ी बात है ना। अगर ये अकेला चिल्ला रहे सब इनकी तरह चिल्लाने लगे तो इस तरह नहीं रहेंगे खड़े लेकिन सब इनकी तरह सबके कोई बोल रहा है कोई इंटरव्यू दे रहा है तो सब बोल रहे हैं सपा सही है बसपा सही है इनको सबको मेरी बात सुनिए सब अपने से बोल रहे हैं सबको बोलने दीजिए जो बोल रहा है सब लोग सुन रहे हैं सुनने दीजिए। आप क्यों चिल्ला रहे हैं सबके बस में तुम सपा हो तुम सपा को वोट देना कोई मना नहीं कर रहा है तुमको जिसको मर्जी करो उसको दिलाओ तो उसमें चिल्लाने वाली क्या बात है। कहा नहीं हो कि आप सपा को दीजिए जब ये इंटरव्यू दे रहे थे तब भी चिल्ला रहे थे वो इंटरव्यू दे रहे थे
तभी चिल्ला रहे थे, कहा चिल्ला रहे थे तभी चिल्ला रहे थे, क्या मतलब है? प्रधान जी, प्रधान जी ये सब जो कह रहा है सबको सुनिए, जो इतने लोग खड़े हैं चाहे भाजपा के हो चाहे बसपा के हो सपा के हो, सब लोग अपना अपना मत दे रहे हैं, तो किसी को उसमें चिल्लाने की क्या जरूरत है? वो अपना आग रख रहे थे, अपना नहीं, आप इनके पास, मैं बेबस हूँ, इसलिए माइक आया मिल रहा है, हम लोग को रोजगार नहीं मिल रहा, नहीं मिल रहा तो हम लोग बोल रहे हैं कमा नहीं रहे हो, रोजगार नहीं मिल रहा, चार के मकान मालिक रख ले, 22,000 महीना, गाड़ी चलाने, अगर इनको बेबस है, बेबस है इनको, अगर नहीं मिल रही है नौकरी तो वहाँ अनशन पे खड़े हो जाए, बैठ जाए, सरकार इनको नौकरी देगी, अगर यही है तो हमारे घर देखो पानी चला रहा हूँ, चलो चलाओ, हम 400 रुपया दे रहे हैं, तब तू बतीता, अरे सरकारी नौकरी की बात कर रहे हैं, सपा सरकार यहाँ आएगी आजमगढ़ में, भले कुछ हो जाए सपा ही सरकार बनाएगी, बस बात खत्म, सपा सरकार आएगी बसपा सरकार, वो तो समय लोग ना, ये लोग मलाई खा लिए हैं, अब ये लोग मलाई खा लिए, अब हम लोग दही खाएंगे, इस बार सरकार बनाएंगे साइकिल की, और कमल को फिर मुरझाएंगे, बस दो आएगा समझ में। तो साथियों आपने देखा आजमगढ़ काफी डिबेट भी हुआ, कुछ अक्सर यहाँ पे अधिकांश लोग भाजपा के पक्ष में देखे, और एक बंदा ऐसा मिला जो सपा के पक्ष में रखा, रोजगार के मुद्दे उठाएं, शिक्षा के मुद्दे उठाएं, स्वास्थ्य के मुद्दे उठाएं, तमाम मुद्दे उठाएं, और बोला जो इस मुद्दे पे काम करेगा हम उस बार उसी को परिवर्तन, उसी सरकार को लाएंगे, जिसे बोलना था उसे बोलने नहीं दिए आप लोग, जिसे बोलना था अभी बोलने नहीं दिए, सब लोग सबका अपना अपना मत है, क्योंकि पुलिस कोई नहीं हुई देवा मत, सरकार तो बढ़िया है, कौन सी सरकार, यही सरकार, कौन यही सरकार, मोदी सरकार, इसलिए बढ़िया है कि गुंडे ही ना हो ले, गुंडे ही ना हो ये या नहीं दे उसना मतलब गुंडे ही हो रही है, गुंडे ही हो नहीं रही है, जैसे महिलाओं के लिए अपने देश के लिए अच्छा है, महिलाओं के लिए अच्छी, रोजगार के लिए अच्छा ना है, रोजगार के लिए नहीं अच्छी है ना, हाँ महिलाओं के लिए अच्छा है, महिलाओं के लिए गुंडई नहीं हो रही है, काफी प्रताड़ित हो रही है, आपको भी प्रताड़ित जगह था, तमाम दूसरे दिन आश्रम में रोजगार ना मिले, क्योंकि इतना बात सत्य है, और वोट वाली बात हम तो वो भाजपा के दे वोट सबका छीका ना ले रही, भाजपा की हाँ सबका, कितना महंगाई हो या कुछ, हम तो 3600 साल से देते भाजपा के, 3600 साल हाँ, कल्याण सिंह की वजह, कल्याण समय से देते ला, कल्याण सिंह से हमसे क्यों उस मतलब ना हारे थे, जितना मतलब हो ठीक, भाजपा ही भैया भाजपा के नहीं है चाचा, यहाँ पूरा भाजपा के गड़बा, हाँ सरकार अच्छी चलती है इस समय, अरे अच्छी चले ठीक है, लेकिन सरकार क्योंकि अभी रोजगार ना दे, यह जनता ना खुश है, एक बदलवा नहीं बदलवा तब बदले या ना बदले, सरकार जनता से बदल, रोजगार अकेले बदल दे का, अरे तो दो तू अगर चाहवा बदल ले, ना ना जनता एक वोट बहुत माने रखता है, जनता सबकर होई तो सबकर होई, हम अकेले के ठीका ले सबकर ना, चलो लाल आपकी वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताना, आजमगढ़ में काफ़ी लोग जहाँ पे मैं हूँ इस समय, मोहम्मद प्रिया मार्केट आता है, आजमगढ़ लोकसभा के अंतर्गत आता है, यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी से नीरव जी फिर से हैं जो वर्तमान में सांसद है, समाजवादी पार्टी से धर्मेंद्र यादव चुनाव मैदान में, उपचुनाव में भी वही थे, दोनों प्रत्याशी यादव बिरादरी से और दोनों पुराने ही प्रत्याशी है, इस बार क्या होगा परिवर्तन, आजमगढ़ की जनता क्या चाहती है, काफ़ी चर्चाएं चलने से अखिलेश यादव, लेकिन उन्होंने अपने चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव को टिकट दिया, और फिलहाल फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, हाँ अगर आप आजमगढ़ से हैं तो कमेंट करना कौन बनेगा सांसद, कौन बनेगा प्रधानमंत्री, तब तक ले जाएंगे भारत, वंदे मातरम।